हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी जग जाहिर है। हम और आप क्रिकेट का कोई भी मैच मिस नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारतीय क्रिकेटर प्रति घंटे कितने रुपए कमाते हैं? जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुबेर देवता साक्षात प्रकट होकर उन पर पैसे की बारिश कर रहे हो। जी हाँ, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान की बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर कितने रुपए प्रति घंटे कमाते हैं। भारतीय क्रिकेटर दुनिया में सबसे अधिक पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI हर साल खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करता है। बोर्ड ने खिलाड़ियों को चार ग्रेड में बांटा है। इसमें ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C है। ग्रेड के हिसाब से क्रिकेटरों को पैसे दिए जाते हैं। ग्रेड A के खिलाड़ियों को 5 करोड़, तो वहीं ग्रेड B के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और ग्रेड C के खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी कि अगर सी में भी कोई खिलाड़ी है तो भी पैसे से माला माल। ये वो रकम है जो खिलाड़ियों को मिलनी तय होती है, चाहे वो कितने भी मैच खेले। मान लें कि एक खिलाड़ी है और उसका नाम ग्रेड B में है और वो साल में एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन इसके बाद भी उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे जनाब। खिलाड़ियों को BCCI से मिलने वाले इस पैसे के अलावा मैच फीस भी मिलती है। यानी कि ये जो मिल गया जो तो मिल ही गया, अब हर मैच खेलेंगे उसके बेस पे पैसे मिलेंगे। सो अलग, उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कैसा भी खिलाड़ी हो, अगर वो उस टीम में है तो 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच के उन्हें मिल जाएंगे। एक वनडे के 6 लाख रुपए और एक 2020 मैच के 3 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो भी इस रकम का 50% मिलता है। यानी कि बिना खेले भी खिलाड़ी लाखों रुपए कमा लेते हैं। आम तौर पर एक 2020 मैच 3 घंटे का होता है, तो इस हिसाब से वे 3 घंटे में 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। यानी कि प्रति घंटे 1 लाख रुपए कमा लेते हैं हमारे क्रिकेटर। तो जनाब, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भी पैसे मिलते हैं। आगे सुनिए, खिलाड़ियों को इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो पैसे मिलते हैं बोनस मनी के रूप में। ये एक इनाम होता है जो टेस्ट क्रिकेटर को मिलता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर किसी खिलाड़ी ने दोहरा शतक बनाया तो उसे 7 लाख रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, जबकि शतक जड़ने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर किसी गेंदबाज ने 5 विकेट लिए तो उसे 5 लाख रुपए बोनस मिलते हैं। ये पैसा मैच फीस का हिस्सा नहीं होता है, ये अलग से मिलता है। आर अश्विन ने इस साल के शुरू में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक जड़ा था और कुल 8 विकेट लिए थे। आकाश चोपड़ा ने संकेत दिया कि अश्विन ने उस एक टेस्ट मैच में 25 लाख रुपए कमाए होंगे। सोच लीजिए, क्योंकि टेस्ट मैच का 15 लाख मिल गया, फिर उसके बाद उन्होंने शतक बना लिया, 5 लाख उसके मिल गए, 8 विकेट भी ले लिया, 5 लाख उसके मिल गए, यानी एक मैच में 25 लाख रुपए की बारिश। ये नहीं भूलना चाहिए कि BCCI ऐतिहासिक जीत के बाद बोनस भी देता है। इस साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 पर कब्जा किया था। इस जीत के बाद बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर दिया था। इस बीच टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड में है। वो 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। तो दोस्तों, आज के ज्ञान के पिटारे में आपने जाना कि हमारे क्रिकेटरों पर किस तरीके से धन की बारिश होती है। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें बतलाएंगे। तो इन रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। रखें अपना ख्याल। नमस्कार।